अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा दही आलू मसाला, जिसके लिए मैंने ये तीन आलू लिए हैं। आलू को मैंने गोल शेप में काट लिया है, ज़्यादा पतला नहीं काटा है, थोड़े से मोटे रखे हैं। दो टमाटर लिए हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, एक प्याज ली है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 कप दही, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा हरा धनिया, और ऑयल लेंगे हम फ्राई करने के लिए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ये आलू डाल के फ्राई करूँगी। ऑयल गर्म हो गया, मैं इसमें आलू डालती हूँ। आलू को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन कलर देना है। फ्लेम मैंने मीडियम में रखी हुई है। आलू को मैंने फ्राई कर लिया है, देखें हल्के से गोल्डन कलर के हो गए हैं, बिल्कुल हल्के से। अब मैं इनको निकाल लूँगी। रमज़ान आ रहे हैं, आप सहरी में बनाएं इसको, बहुत झटपट बनने वाली डिश है, इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे आलू निकाल लिए हैं। अब पैन में मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है, उसमें हम ये प्याज फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौते करना है। अब मैं इसमें जीरा शामिल करूंगी, फ्राई करेंगे थोड़ा सा, मेथी दाना, कलौंजी, राई, थोड़ा सा इनको ऑयल में प्याज के साथ फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। फ्लेम मैंने मीडियम में रखी हुई है। हल्दी, नमक और पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे। मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अब इसमें 3 टेबल स्पून पानी शामिल करूंगी। और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए मीडियम टू लो फ्लेम पे। मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं, चलिए देखते हैं। ये देखें मसाला अच्छी तरह से भून गया है और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। अब हमने जो आलू फ्राई किए थे वो इसमें शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे इनको। आलू को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर दही को अच्छी तरह से फेंट के शामिल करेंगे। दही के साथ आलू को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद
और हरी मिर्ची शामिल करूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 4 टेबलस्पून पानी शामिल करूंगी। अब इसके अंदर मैं कसूरी मेथी शामिल करूंगी। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कवर करके 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखेंगे। आलू को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, चले देखते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और हमारे मज़ेदार से दही आलू मसाला बनके तैयार हो गए। आप लोग इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।